मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग फोर्थ सेम के लिए सिविल इंजीनियरिंग में सर्वे फर्स्ट का काम का लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इस सर्वे फर्स्ट में, फोर्थ सेम में सिविल इंजीनियरिंग में, जैसा कि आप लोग इसके नाम से अवगत हो रहे होंगे, इसका नाम है सर्वेइंग फर्स्ट। सर्वेइंग फर्स्ट का तात्पर्य यह है कि सर्वे फर्स्ट आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे और सर्वेइंग सेकंड आप फिफ्थ सेम में पढ़ेंगे। फिफ्थ सेम में सर्वे सेकंड पढ़ेंगे और सर्वेइंग फर्स्ट फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। सर्वेइंग फर्स्ट में जो, यदि हम इसका सिलेबस पे जाते हैं, डिटेल्ड सिलेबस पे जाते हैं, तो डिटेल्ड सिलेबस में पहली चीज़ इसमें आती है इसका इंट्रोडक्शन, कि सर्वेक्षण होता क्या है और इसका मकसद क्या है, पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, ये सारी दो चीज़ें इंट्रोडक्शन के अंतर्गत आती हैं। इंट्रोडक्शन में मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सर्वे होता क्या है, इसको क्यों किया जाता है और इससे हमें क्या फ़ायदे हैं। यदि हम इसे दूसरी भाषा में कहें तो तीन चीज़ें इसमें आती हैं, ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट एंड पर्पस। अब यदि हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं तो इसमें जो ऑब्जेक्ट आता है कि उसका उद्देश्य क्या है। सर्वेक्षण का जो बेसिक उद्देश्य है, सर्वेक्षण को यदि हम भाषा को समझने कोशिश करें बिना सिविल इंजीनियरिंग के, तो सर्वेक्षण आप लोगों ने सुना होगा कि जनसंख्या सर्वेक्षण होता है, लिटरेसी का सर्वेक्षण होता है, उम्र का सर्वेक्षण होता है, बीमारियों का सर्वेक्षण होता है। ये वो सर्वेक्षण हैं जो आम तौर पर आप सभी लोगों ने सुने होंगे। इसमें जनसंख्या का भी आता है, बीमारियों के बारे में आता है, उम्र के बारे में आता है, लिटरेसी के बारे में आता है कि कितने लोग हमारे देश में पढ़े लिखे हैं, कितने अनपढ़ हैं, और मेल फीमेल कितने हैं, अन्य कैटेगरी में कितने हैं लोग हैं। ये सारी चीज़ें जब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेते हैं तो ये सर्वेक्षण में आता है। और ये हमें क्या कैसे करना पड़ता है, ये हमें करना पड़ता है डोर टू डोर जा कर के, मैन टू मैन कॉन्टैक्ट से। सिमिलरली यहाँ पर भी जब हम सर्वे का काम करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि हम सिविल इंजीनियरिंग में सर्वेक्षण क्यों करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, सिविल इंजीनियरिंग में हम लोग करते क्या हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जो हम लोगों के पास, एक सिविल इंजीनियर के पास काम होने के लिए होते हैं, वो है बिल्डिंग का बनाना, रेलवे ट्रैक का बिछाना, क्या कहते हैं, सड़कों का निर्माण कार्य, कैनाल का निर्माण कार्य, अन्य इसी तरह से ब्रिजेस का निर्माण कार्य, ये सारे निर्माण कार्य, या किसी भी स्कूल की बिल्डिंग है, हॉस्टल बिल्डिंग है, बैंक है, गोडाउन्स हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, ये सारी चीज़ें हमारे सिविल इंजीनियरिंग के उसमें आती हैं, वर्क में आती हैं। और इसी चीज़ को करने से पहले हमें जहाँ पर भी ये चीज़ें बनाई जाती हैं उन सभी का सर्वेक्षण हमें करना अति आवश्यक हो जाता है। अब इसके लिए जो टेक्निकल भाषा में यदि हम कहते हैं तो भूमितल पर किसी बिंदु या किसी ऑब्जेक्ट की डिटेल्ड जानकारी लेना, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ज्ञात करना। दूसरा, भूमितल से ऊपर या भूमितल से नीचे, भूमितल से ऊपर या भूमितल पे या भूमितल से नीचे, ये तीन चीज़ें हैं जिसकी हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेनी होती है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन, जब ये हमारे पास डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होगी किसी भी ऑब्जेक्ट की, तभी हम अपने स्ट्रक्चर को आसानी से बना सकते हैं। आप ये कहेंगे साहब डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में क्या चीज़ें आती हैं। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन में चीज़ें आती हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वहाँ पर कितना ऊंचा है, भूमितल कितना ऊंचा है, भूमितल कितना नीचा है, वहाँ की लैंड की जो बियरिंग कैपेसिटी है उसकी, अर्थात बियरिंग कैपेसिटी का तात्पर्य है कि उसकी धारण क्षमता, वो कितना वजन ले सकती है। जैसे कि हम कहें सैंडी सॉइल का मतलब जिसमें बालू ज़्यादा होती है, और यदि हम कहें मार्शी लैंड जहाँ पे दलदली भूमि होती है,
एक होती है नॉर्मल सैंड जिसे हम क्ले कह सकते हैं। अब इन स्थितियों में सभी तरह से हम उसका बेयरिंग कैपेसिटी निकालते हैं और बेयरिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग क्यों निकाली जाती है, क्योंकि वहाँ पर हमें स्ट्रक्चर बनाना है। जब हमें स्ट्रक्चर बनाना है वहाँ पर, तब क्या होगा, यदि हमने फाउंडेशन किसी भी रूप में बना रहे हैं, किसी भी स्ट्रक्चर का जो वजन होता है वो भूमि पर ही ट्रांसफ़र होता है, और भूमि का मतलब जो भी अर्थ पे मिट्टी है उस पर जाता है। अब वो मिट्टी किस रूप में है, यदि उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम है तो हमें क्या करना होगा, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी या तो बढ़ानी होगी आर्टिफिशियल तरीके से, या हमें ऐसा स्ट्रक्चर निर्माण करना होगा कि उस पर वो स्ट्रक्चर फेल ना हो। तो इसलिए इसकी इंफॉर्मेशन लेना ये भी एक सर्वेक्षण के अंतर्गत आता है, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन लेना। अब ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन अपने पास कलेक्ट करके रखते हैं, और जो ये करेक्ट ये काम करता है इसको हम लोग सर्वेयर कहते हैं। एक सर्वेयर इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब पहली चीज हो गई ऑब्जेक्ट। अब उस ऑब्जेक्ट से मैं आ गया कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। अब इसमें आता है कंसेप्ट। कंसेप्ट मतलब इसको हम क्या चीज़ लेकर के दिमाग में सोच के कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है लैंड इंफॉर्मेशन। अब जैसे कि आपको रेलवे ट्रैक बिछाना है, लैंड इंफॉर्मेशन अब आपको जैसे रेलवे ट्रैक बिछाना है, सड़क का निर्माण कार्य है, या आपका कैनाल जानी है, ये लंबी दूरियों तक जानी है, मतलब एक बिंदु से स्टार्ट होगी और दूसरे बिंदु तक जाएगी। अब जितना इस मार्ग में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, जब तक ये हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, हम अपने लैंड पर ना तो सड़क निर्माण कर सकते हैं, ना रेलवे ट्रैक का निर्माण कर सकते हैं, और ना ही हम कैनाल को बना सकते हैं। तो अब इन सब चीज़ों के लिए, जैसे रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक में ट्रेन कहाँ से चली, कैसे चली, वहाँ पर लोगों के पहुँचने के साधन क्या हैं, सड़क निर्माण कार्य है तो सड़क निर्माण कार्य में किस तरह से कैसे निकालें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा गाँव को या शहरों से हम लोग उस नहर को निकाल सकते हों, जिससे कि खेतों में पानी ज़्यादा पहुँच सके। तो ये सारी चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है कि जैसे पब्लिक का परिवहन हो रहा है, पब्लिक का परिवहन हो रहा है, तो पब्लिक का परिवहन के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो रेलवे ट्रैक है, दूसरा सड़क है, और यदि पानी का परिवहन हो रहा है तो वो सिंचाई के लिए है। अब पानी के परिवहन के साथ साथ हम लोग कभी कभी रेलवे ट्रैक या सड़क का निर्माण कार्य भी करते हैं, जिससे कि हमारा जो अलाइनमेंट है, जहाँ से सड़क जानी है, उसी स्थिति को निर्धारण में लेते हुए अधिक से अधिक लोगों तक हम फायदा पहुँचा सकें। तो ये आ जाता है आपका कंसेप्ट में लैंड इंफॉर्मेशन। अब ये जब लैंड इंफॉर्मेशन हो जाती है, जिसमें हमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर नोन एज मैप, अब इसका जो पर्पज़ है वो क्या है, मैप प्रिपेयर करना। मैप मतलब नक्शा बनाना। जैसे कि मान लीजिए, फर्ज कीजिए कि आपने ये एक पेपर आपका ड्राइंग शीट है, और इस ड्राइंग शीट में आपने बताया कि साहब ये हमारा रेलवे ट्रैक जा रहा है, और यहाँ से यहाँ ये सड़क जा रही है, रोड है, और यहाँ पर कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है, यहाँ पर इधर से यहाँ पर भी कोई एक बिल्डिंग बनी हुई है। अब मान लीजिए इसमें हमें कहीं कुछ और निर्माण कार्य कराने हैं, तो उसके लिए हमें स्थान देखना है, तो ये वाला जो स्थान है, इतना स्थान आपके पास रिक्त है, रिक्त स्थान है, ये रिक्त स्थान को फिलअप करेंगे तभी, जब हम इसकी जानकारी लेंगे, इतने क्षेत्र की हमारे पास जानकारी होगी, तभी हम ये पता चल पाएगा कि ये रिक्त स्थान है हमारे पास, अनफिल्ड स्थान है, जहाँ पर हम कुछ भी बना सकते हैं। जैसे आपको कुआं बनाना है, तो कुएं के लिए आपको ये जगह आपको सूटेबल लग रही है, क्योंकि सड़क यहाँ से निकल जाएगी, और कुआं है तो यहाँ पे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का पानी का इस्तेमाल हो सकता है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें मैप प्रिपेयर करना होता है। जैसे ही हम मैप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो तीन चीज़ें सर्वे के द्वारा हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या रहा, कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट में हमें बिल्डिंग बना रहे हैं, रेलवे ट्रैक बना रहे हैं,
रोड दे रहे हैं, कैनाल दे रहे हैं, ब्रिज दे रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अर्थात हम ये कह सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर हम कौन सा दे रहे हैं, किस तरह का दे रहे हैं, ये जानकारी हमारे पास है। किससे? लैंड इंफॉर्मेशन से। और किस तरीके से? कंसेप्ट से। ये हमें पता है ना कि चाहिए कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए कि हमें जो हम सर्वे करने जा रहे हैं वो सर्वे हमारा किसके लिए किया जा रहा है। सड़क के लिए किया जा रहा है, रेलवे ट्रैक के लिए किया जा रहा है, बिल्डिंग के लिए किया। बिल्डिंग में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, गोडाउन है, कोल्ड स्टोरेज है, बैंक बिल्डिंग है, हॉस्पिटल बिल्डिंग है, आपकी स्कूल बिल्डिंग है। अब इन सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए, अच्छा कंसेप्ट को रखते हुए हम लोग सर्वे करते हैं, जाकि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। अब ये चीज़ें तो प्रिमरली रही कि सर्वे होता क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, कंसेप्ट क्या है, पर्पज़ है, मैप प्रिपेयर, दिस इज़ द बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ सर्वे। लास्ट में हमें मैप को तैयार करना, मैप प्रिपेयर ही हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट रहता है सर्वे के अंतर्गत। मैप का मतलब किसी लैंड का मैप, किसी जमीन भूमि का मैप, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको ये समझाया है। अब इसमें जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को करने के लिए हमें कुछ पहले निर्धारण करना पड़ता है कि भाई ये कार्य हम किस प्रकार करेंगे जिससे कि कार्य में कहीं कोई त्रुटि ना हो, कहीं कोई कमियाँ ना रह जाए, जिससे कि हमारे कार्य को बाधित होना पड़े, काम को रोकना पड़े। तो इन सब चीज़ों के लिए एक इसमें टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सर्वे, अर्थात मुख्य आधारित सर्वेक्षण के सिद्धांत, जनरल सर्वेक्षण के सिद्धांत, मतलब सिद्धांतों को हम ये कह सकते हैं कि वो सिद्धांत ही अप्लाई करके हम सर्वेक्षण कर सकते हैं। तो इसमें एक पहला जो सिद्धांत आता है दैट इज नोन एज होल टू पार्ट। होल टू पार्ट से क्या मतलब है? होल का मतलब पूर्ण और पार्ट का मतलब टुकड़ों में, इसे तो हम कहेंगे पूर्ण और इसे कहेंगे अंशतः, अर्थात टुकड़ों में। पूर्ण से अंशतः मतलब यदि हम ये कहें कि आपके पास ये एक क्षेत्र है, ठीक है ना, और इस क्षेत्र में आपको अब सर्वे करना है, तो सर्वे करने के लिए क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे पास रहती हैं जिसे हम कहते हैं, पहला हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट और इसके बीच में चेन लाइंस। अभी हम चेन लाइंस ना कह के हम केवल लाइन कहेंगे, क्योंकि जब हम चेन सर्वे कहेंगे तो ये सारी चेन लाइंस हो जाएंगी, और क्योंकि हम एक चेन बिछाते हैं उसमें या मापते हैं तो इसलिए हम चेन लाइंस कहते हैं। तो अब बांधने के लिए, किसी भी सर्वेक्षण करने के लिए किसी भी क्षेत्र का, ये एक एरिया है, फील्ड है, और इस फील्ड में हमें सर्वेक्षण करना है, तो उसका जो सिद्धांत है वो है होल टू पार्ट। होल मतलब पूरा, ये पूरा एक फील्ड है, एरिया है, इसमें हमने क्या किया, जगह जगह स्टेशन पॉइंट, होल मतलब पूरे पर स्टेशन पॉइंट हमने स्थापित कर दिए और इनको नामांकरण कर दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये स्टेशन पॉइंट्स हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये स्टेशन पॉइंट है। अब केवल हम अभी कैसे कर रहे हैं, अभी हम केवल पेरीफेरी पर हैं, अंदर नहीं आए हैं, अंदर की हमें जानकारी नहीं हो प्राप्त हो पा रही, तो हम क्या करेंगे, अब अंदर की तरफ आएंगे। फिर यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ एक पॉइंट ले लीजिए, यहाँ ले लीजिए और यहाँ ले लीजिए। अब इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ेंगे, तो आप ये देख रहे होंगे जब इन पॉइंट्स को हम लोग जोड़ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर ट्रायंगल उत्पन्न हो रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा बिंदुओं को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे, यहां पर भी जब हम आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे तो ये एक लाइन निर्धारित होंगी, फिर इसमें बीच में फिर हम एक पॉइंट ले लेंगे और इनको आपस में कनेक्ट करेंगे, और भी पॉइंट ले सकते हैं,
तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जब हमने शुरू में इसको बनाया था फील्ड, तो वो करीब करीब ऐसा ब्लैंक था, और जब हमने इसको होल टू पार्ट पूरे से अंशतः की तरफ गए और स्टेशन पॉइंट्स लिए और चेन लाइंस बनाई, तो ये इस रूप में भर गया। इसका फायदा ये है कि यदि मान लीजिए हमने यहाँ पर ए बी लाइन नापने में कोई गलती की, कोई एरर हो गई, तो एरर क्या होगी, ये लाइन इससे कम है, फिर अंदर की लाइन और छोटी है, तो क्या होगा, जो एरर है वो रिड्यूस होती चली जाएगी। एरर कम होती चली जाएगी, इसको हम कहेंगे होल टू पार्ट, जो एक ऐसा खुला पूरा क्षेत्र था। अब आ जाइए पार्ट टू होल। पार्ट टू होल में जो प्रोसीजर हमने यहाँ किया, जब हम बना देंगे तो बनाने के बाद दोनों एक से दिखाई देंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम केवल इसको देखें और इसको देखें। तो यहाँ पर ये पूरा होल टू पार्ट से हमने अंदर तक पहुँचे, हम सभी उन बिंदुओं तक पहुँच गए जिन बिंदुओं तक हमको आसानी होती, हम पहुँच सकते थे और उस क्षेत्र की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। अब और जानकारी प्राप्त करने के लिए जितनी भी लाइनें डली हुई हैं, इन लाइनों पर चल करके ही हम अपने क्षेत्र के सभी बिंदुओं तक, ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं और पता कर सकते हैं कि कहां पर बिल्डिंग बनी हुई है, कहां पर पेड़ लगा हुआ है, कहां पर कैनाल है, कहां पर रोड है, ये सारी चीज़ें हमें यहां से पता चलती हैं। इसका दूसरा सिद्धांत आता है पार्ट टू होल। इसको हम रिवर्स ऑर्डर में करें, पार्ट टू होल सबसे पहले हम अंदर की तरफ स्टेशन पॉइंट लेते हैं, इनको नामांकन कर दीजिए पी क्यू आर, फिर आगे और बढ़िए, इनको आपस में कनेक्ट कर दीजिए, नामांकित कर दीजिए एस टी यू वी एंड सो ऑन, फिर आगे बढ़िए, तो आप देखेंगे लास्ट में हम लोग पेरिफेरी पर आ जाते हैं, अर्थात इसके संपूर्ण क्षेत्र पर। जिस प्रकार से आप हमने होल टू पार्ट बनाया था, उसी तरीके से पार्ट टू होल हमको बनाना। अब देखिए ये भी क्षेत्र आपको वैसा ही दिखाई पड़ रहा है जैसा कि ये दिख रहा है, लेकिन बनाने में अंतर आ गया। यहाँ पर हमने क्या किया था, हम पूरे क्षेत्र से अंदर की तरफ आए थे, और यहाँ क्या किया हमने, हमने अंदर से बाहर की तरफ गए, अर्थात इसे हम कह सकते हैं इस तरह से, और यहाँ पे क्या था, यहाँ से यों था, इसमें हम लोग यों आए, इसमें हम लोग यों गए, ये अंतर है पार्ट टू और होल टू पार्ट में। लेकिन जो सिद्धांत है हम लोग प्रैक्टिकल में काम लेते हैं, सर्वे के अंतर्गत इस्तेमाल करते हैं, हम इस वाले को अर्थात होल टू पार्ट को एक्यूरेट मानते हैं, क्योंकि इसमें एरर रिड्यूस होती है। यहाँ क्या होगा, ये जो आपने देखा ये एक ट्रायंगल फॉर्म में है, यदि हम आगे देखें तो और बड़ा हो गया, फिर देखें तो और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया, अर्थात यहाँ पे जो एरर है वो इनक्रीज होती है, बढ़ती है, इसलिए इस वाले मैथ का प्रिंसिपल को हम लोग इस्तेमाल नहीं करते या कम करते हैं। अब बात समझ में आ गया होगा, बेसिक प्रिंसिपल, दो बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, एक होल टू पार्ट और एक पार्ट टू होल। अब आ जाइए इसमें मेजरमेंट्स में। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने डिफरेंट लाइंस बनाई हैं, और लाइन भी दिखाई दे रही हैं और उनके बीच में एंगल भी दिखाई दे रहे होंगे, या आपको एंगल यहाँ पर ही देखिए एंगल, जब तक ये एंगल और ये लाइन, इनको जब तक हम लोग नापेंगे नहीं, इनको मापेंगे नहीं, तब तक हम क्षेत्र की जानकारी नहीं लेकर के मैप प्रिपेयर नहीं कर सकते। और मैप प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास दो तरीके से मेज़रमेंट होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, पहला लीनियर मेज़रमेंट और दूसरा एंगुलर मेज़रमेंट, रेखीय मापन और कोणीय मापन। रेखीय मापन के इंस्ट्रूमेंट जैसे हमारे पास होती है, चेन है, टेप है, ये हम लोग रेखीय मापन करते हैं। इसकी यूनिट्स क्या है, मेजरमेंट यूनिट लीनियर मेजरमेंट की किलोमीटर्स में, मीटर में, सेंटीमीटर में, एमकेएस पद्धति के अंतर्गत।
FPS में जाएंगे तो फुट में और इंच में आ जाएगा। तो ये यूनिट्स हैं, दीज आर यूनिट्स, और ये वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनसे हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं किसी भी स्टेशन को। बेसिकली हम लोग एक ट्राइंगल के रूप में इस तरह से दिखाते हैं, एक स्टेशन पॉइंट, जैसे हम इस स्टेशन पॉइंट का नाम देंगे ए, इस स्टेशन पॉइंट का नाम देंगे बी, और इसके बीच में ये चेन लाइन बनाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक स्टेशन पॉइंट सी, और इसके बीच में भी चेन लाइन बनाएंगे, इसके बीच में भी चेन लाइन बनाएंगे। अब देखिए ये चेन लाइन, तो जब इसको ए से बी, बी से सी और सी से ए, तो ये कहलाएगा लीनियर मेजरमेंट रेखा का, ए बी बी सी सी ए। और अब यदि हम इसका एंगल नापते हैं तो ये कहलाएगा कोणीय मेजरमेंट, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसके जो यूनिट्स हैं वो यूनिट होती है डिग्री, और डिग्री का मतलब इस तरीके से उसको मार्क करके दिखाते हैं। डिग्री को हम ये कह सकते हैं कि एक डिग्री बराबर, जैसे हम कहा किलोमीटर में मीटर 100 और एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसी तरीके से एक डिग्री में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकंड। तो यदि आप यहाँ देखें तो हमारे पास इनकी यूनिट्स की, मेजरमेंट्स की यूनिट्स भी हैं, किलोमीटर सबसे बड़ी, मीटर उससे छोटी और सेंटीमीटर उससे छोटी। इसी तरीके से डिग्री बड़ी, फिर 60 मिनट, फिर 60 सेकंड। दिखाते प्रदर्शन, जैसे डिग्री को तो प्रदर्शन करते हैं इस रूप में, मिनट को करते हैं एक इस रूप में, और सेकंड्स को करते हैं इस रूप में। इसके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो कंपास से हम लोग थीटा एंगल नापते हैं, ये हॉरिजॉन्टल एंगल नापते हैं, एबनी लेवल से वर्टिकल एंगल नापते हैं। ये वर्टिकल एंगल और हॉरिजॉन्टल एंगल, इस तरह से ये हॉरिजॉन्टल एंगल। हाइट एंड डिस्टेंस मेथड्स की सहायता से आप लोगों ने हाई स्कूल में काम किया होगा, टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा। तो उस ये जो थीटा है ये वर्टिकल एंगल नापने के लिए, अब थियोडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम दोनों तरीके के एंगल नाप सकते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंगल भी नाप सकते हैं और वर्टिकल एंगल भी नाप सकते हैं। ये तो रही बात जिसमें हमने बताया इंट्रोडक्शन में कंसेप्ट, पर्पस, ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद इसमें आते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स, फिर इसको जो भी हमने बेसिक प्रिंसिपल्स में आया उसमें लीनियर और एंगुलर मेजरमेंट्स आ जाते हैं। अब आइए